इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। होली के रंग अपनों के संग की तर्ज पर इंदौर में अधिवक्ता फागोत्सव होली मिलन समारोह मनाया जाएगा, जिसको लेकर कार्यक्रम के संयोजक व अन्य पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। आगामी 24 मार्च को शहर के दस्तूर गार्डन में इंदौर के उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, रेरा कोर्ट सहित अन्य कोर्ट के अधिवक्ताओं का जमावड़ा लगेगा। वहीं इस अधिवक्ता होली मिलन समारोह में जिले के सांवेर, देपालपुर और महू के अधिवक्ता भी खुशियों के पर्व में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम के संरक्षक मनोज द्विवेदी और मार्गदर्शक दिलीप सिसोदिया और दिनेश पांडे गुरु रहेंगे। आयोजन के संयोजक राजेश खंडेलवाल अधिवक्ता ने बताया कि होली मिलन समारोह को लेकर तैयारियां जारी है। आयोजन में हर्बल रंगों के साथ ही फूलों की होली खेली जाएगी। पानी बचाने के उद्देश्य के साथ इस आयोजन में वाटर हार्वेस्टिंग करने का संदेश भी दिया जाएगा। वहीं आयोजन समिति के विकास डागा ने बताया कि कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक गन्नू महाराज की प्रस्तुति होगी। वहीं राधा कृष्ण नृत्य का आयोजन भी रखा गया है। इस होली मिलन समारोह के मार्गदर्शक संस्था के इंदौर अभिभाषक संघ, इंदौर उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ, खंडपीठ इंदौर, रेरा अधिवक्ता संघ है। वहीं इस होली मिलन फाग उत्सव को लेकर तैयारियां जारी है। ये एक अनूठा प्रयास हमारे मित्र भाई राजेश खंडेलवाल जी द्वारा विचार आया और एक अनूठा प्रयास इस बार अधिवक्ता साथियों में और अधिवक्ता साथियों के परिवारों में एक खुशनुमा माहौल बनाने का विचार हमारे साथ भाई राजेश खंडेलवाल जी को आया, जिसका उन्होंने हम लोगों से शेयर किया। भाई दीपक जायसवाल जी, कपिल भाई, लाठी जी, हमारे पंकज खंडेलवाल जी, संजय गायकवाड़ जी, बिल्लू भाई और सब राकेश पाल जी, हम सब लोग मिलकर इस आयोजन को एक इस तरह से बना रहे हैं जिसमें पूरा तरह से पारिवारिक माहौल हमारे अधिवक्ता साथियों को मिल जाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उच्च न्यायालय बार, इंदौर अभिभाषक बार, रेरा अभिभाषक संघ, कलेक्ट्रेट अभिभाषक संघ, सभी का बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग मिल रहा है और सभी इस आयोजन के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। तो मैं आप सभी के माध्यम से, इन मीडिया साथियों के माध्यम से सभी अधिवक्ता साथियों को आग्रह करना चाहूँगा कि इस अनूठे और अद्भुत आयोजन में आप लोग जरूर शिरकत करें। आप लोगों का बहुत आनंद आएगा और बहुत अच्छी अनुभूति आप सभी को प्राप्त होगी। मैं तो आग्रह करूंगा आप सभी पत्रकार साथियों से भी कि आप लोग भी एक ये अनूठा आयोजन देखने के लिए और इसमें शिरकत करने के लिए जरूर आएं। होली के रंग अपनों के संग, होली का त्यौहार बहुत ही परंपरा अनुसार बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसी के चलते दस्तूर गार्डन के अंदर फाग उत्सव अधिवक्ताओं के द्वारा मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंदर 24 मार्च 2024 को दस्तूर गार्डन के अंदर अधिवक्ताओं के द्वारा फाग उत्सव एवं होली मिलन समारोह का आयोजन समस्त अधिवक्ताओं के लिए रखा गया है, जिसमें प्रसिद्ध गायक गन्नू महाराज के द्वारा फूलों की सुप्रसिद्ध गायक हैं गन्नू महाराज जी, उनके द्वारा गायन की प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही अधिवक्ताओं के द्वारा फूलों की होली खेली जाएगी, यह आयोजन रखा गया है। साथ में आयोजन के पश्चात में सभी अधिवक्ता बंधु साथ में इसने भोज करेंगे। संकल्प लिया जा रहा है पानी बचाओ, गर्मी होती जल भी आ गया है। पानी बचाने के उद्देश्य से हमारे द्वारा फूलों की होली का आयोजन रखा गया है। इसमें हमारे द्वारा कोशिश की जाएगी कि रंगों का उपयोग कम से कम हो, फूलों की होली से ही होली खेली जाएगी। और उसके साथ में हमने नया प्रयास किया, उसमें चंदन का भी प्रयोग किया जाएगा। इसमें चंदन का भी प्रयोग करके हम होली के फागोत्सव का आयोजन करेंगे। राजेश खंडेलवाल अधिवक्ता। पूर्व में भी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश पांडे जी द्वारा फाग उत्सव का आयोजन किया गया था और इसके चलते अब हम लोगों के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा ये आयोजन करा जा रहा है, जिसमें हमारे दिनेश पांडे जी हमारे संरक्षक हैं, साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज द्विवेदी जी एवं दिलीप सिसोदिया जी के मार्गदर्शन में यह आयोजन किया जा रहा है। Oh,